हेलो दोस्तों, भानी रामडाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैमल ब्रीड्स, ऊंट की नस्लें। नस्लों के डिस्कस से पहले अपने थोड़ी सी ऊंट से संबंधित जो सामान्य जानकारियां हैं और अक्सर जिनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और कुछ ऊंट की विशेषताओं की बात करते हैं। एनआरसी ऑन कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, जोहड़वीर बीकानेर में स्थित है। ऊंट की त्वचा पर बारीक बालों की परत होती है जो उष्मा का कुचालक का कार्य करती है, जिससे ऊंट अधिक गर्मी सहन कर सकता है। ऊंट की त्वचा मोटी होने के कारण पसीने द्वारा पानी की कमी नहीं आती है, पानी का हास नहीं होता है। ऊंट की जो कुबड़ होती है उसमें वसीय ऊतक पाए जाते हैं, यानी उसके अंदर भोजन संग्रहण रहता है। ऊंट के पालन पर जो खर्च होता है उसका 60 से 70% खर्चा आहार पर होता है। ऊंट एक बार में 130 लीटर तक पानी पी सकता है और एक बार पानी पीने के बाद ये 7 दिन तक निकाल सकता है। पानी पीने के बाद ऊंट में आरबीसी का आकार 240% बढ़ जाता है। अन्य पशुओं में यह 130% बढ़ने पर यह फट जाती है, यानी मर जाती है, डेड हो जाती है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है। मादा ऊंट 3 से 4 वर्ष की उम्र में गर्भ धारण के योग्य हो जाता है। पर्टिकुलर अपने बात मंथ में करें तो 36 मंथ में ये गर्भ धारण के योग्य हो जाते हैं, प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। वैसे औसत 36 से 48 माह का रहता है, लेकिन अगर आपको मिनिमम एज पूछी जाए तो वो है 36 माह। नर ऊंट 5 से 6 वर्ष की आयु में प्रजनन के योग्य हो जाता है। एक ठंडी रात में रेगिस्तान में ऊंट 60 से 90 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। राजस्थान के ऊंट दुनिया में तेज भागने वाले ऊंट होते हैं, दुनिया में अपनी तेज दौड़ के लिए प्रसिद्ध भी होते हैं। बीकानेरी ऊंट सबसे सुंदर ऊंट होता है। नस्लों में अपने बात करेंगे, सबसे सुंदर जो नस्ल है वो बीकानेरी ऊंट की नस्ल मानी जाती है। भार ढोने वाले ऊंटों को लद्दू ऊंट कहा जाता है, यानी जो बोझा ढोते हैं उनको लद्दू ऊंट कहते हैं। रेबारी ऊंट पालक जाति है और जो पाबूजी है, पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। ऊंटों में सर्रा नामक रोग पाया जाता है, जो पशुओं के रोग में अपने डिटेल्स इसकी डिस्कस करेंगे। और राजस्थान में देश के लगभग 70% ऊंट पाए जाते हैं। वैसे विश्व में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है और भारत में बात करें तो पर्टिकुलर राजस्थान में सबसे ज़्यादा पूरे भारत के 70% ऊंट मिलते हैं। ऊंट पालन की दृष्टि में राजस्थान के 2 प्रमुख जिले बाड़मेर और बीकानेर है, सबसे ज्यादा बाड़मेर में और दूसरे नंबर पे बीकानेर। जैसलमेर जिले का वह स्थान जहां पर ऊंट विश्व में प्रसिद्ध है वो स्थान है नाचना। नाचना के ऊंट बहुत प्रसिद्ध है। सवारी की दृष्टि से जो ऊंट सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं वो गोमट फलोदी के माने जाते हैं। बोझा ढोने व तेज चलने के लिए ऊंटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है वो है बीकानेरी। नाचना का ऊंट जैसलमेर जिले में पाया जाता है। राजस्थान में ऊंटों की सर्वाधिक संख्या पश्चिमी जिलों में है। पश्चिमी जिले बोले तो जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये जिले पश्चिमी जिलों में आते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली ऊंटों की नस्ल जैसलमेरी, बीकानेरी, कच्छी और सिंधी है, जिसमें सबसे ज़्यादा बीकानेरी, उसके बाद जैसलमेरी मिलेगी। स्थान की दृष्टि से नाचना का ऊंट, जबकि नस्ल की दृष्टि से कच्छी नस्ल का ऊंट सबसे अच्छा माना जाता है। मतवाली चाल के लिए जैसलमेरी ऊंट प्रसिद्ध होता है और भारत के 50% ऊंट लगभग बीकानेरी नस्ल के होते हैं। अगर अपने एरिया वाइज बात करें तो नाचना के ऊंट सबसे ज़्यादा फेमस है और अगर अपने नस्ल के हिसाब से बात करें तो कच्छी के नस्ल सबसे ज़्यादा फेमस है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जो अपने बात की थी एनआरसी, जोहड़वीर बीकानेर में, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 में हुई थी, इसकी स्थापना आईसीएआर द्वारा की गई है। राजस्थान के राजकीय पशु की बात करें तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, कई कहते हैं चिंकारा है, कई कहते हैं ऊंट है, दोनों ही अपनी जगह सही है। अगर पालतू पशुओं में बात करें तो ऊंट है। इसको जो घोषणा की गई थी वो 30 जून 2014 में ऊंट को राजस्थान का पालतू पशुओं में राजकीय पशु घोषित किया गया था और वन्य जीव जो जंगली पशु है उनमें चिंकारा ही होता है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये जनवरी में, मतलब महोत्सव मेला लगता है इसका जनवरी में। बीकानेर का जो लडेरा गांव है वहां पर ये महोत्सव होता है, ये मेला लगता है और ये जो महोत्सव है वो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है और यहाँ पर ऊंटों को सजा धजा के लाया जाता है और खूबसूरत खूबसूरत ऊंट देखने को मिलते हैं। एक है उस्तकला,
उस्त कला क्या होता है? जो ऊंट है उसकी जो त्वचा है उस पर जो स्वर्ण मीनाकारी या जो बालों को काटकर एक कलाकारी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उस्त कला, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इसको उस्त कला कहते हैं। ये राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध उस्त कला है और जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव होता है वहां पर इस तरह की उस्त कला अपने को देखने को मिलती है। उसके अलावा जब ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव होता है तो यहाँ ऊंटों को बहुत ज्यादा सजा सजा कर लाया जाता है, दुल्हन से भी ज्यादा सजा कर लाया जाता है। तो ये ऊंटों का जो श्रृंगार होता है उसको गोरबंद कहते हैं। आप फोटो में देख सकते हो, एक तरफ है उस्ता कला और दूसरी तरफ है गोरबंद। दो तरह के ऊंट देखने को मिलते हैं, एक तो एक कूबड़ वाला और दूसरा दो कूबड़ वाले ऊंट। जो मैदानी क्षेत्र है और राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे सामान्यतः एक कूबड़ वाले ऊंट ही पाए जाते हैं। एक कूबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेडेरिस। और जो लद्दाख एरिया है वहां पर दो कूबड़ वाले ऊंट देखने को मिल जाते हैं। दो कूबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस बैक्टेरियंस। ऊंट की आहार व्यवस्था, ऊंट के कूबड़ का आकार उसको मिल रहे आहार की मात्रा को दर्शाता है। अगर ऊंट अच्छा खाना खाता है तो उसमें स्टोरेज खूब होता है और कूबड़ का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। ऊंट को 75 से 150 ग्राम नमक शरीर के आकार के अनुसार खिलाना चाहिए। ऊंट को प्रतिदिन 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अपने पीछे ऊंट की विशेषताओं की बात कर रहे थे। ऊंट के जो पैर होते हैं, पांव होते हैं, वो गद्दीदार इस तरह से बने हुए होते हैं कि जो बालू मिट्टी होती है उसके अंदर वो अपनी पकड़ बना लेते हैं और वो गर्म होने पर ये जलते भी नहीं है। ऊंट की जो त्वचा होती है मोटी होती है और ताप के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। इन सब कारणों के कारण, या फिर ऊंट एक बार पानी पी लेता है तो उसको 7 दिन पानी की आवश्यकता नहीं होती। और मरुस्थल में इससे अच्छी कोई सवारी नहीं हो सकती, इससे बढ़िया कोई पशु नहीं हो सकता है जो इधर उधर भारवाई के रूप में या फिर इधर उधर आने जाने के अंदर काम आता हो। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये आपने अच्छी तरह सुना होगा। अब ऊंट के आहार की बात करें तो जब ऊंट 1 वर्ष से कम का होता है तो उसको 2 किलो सूखा चारा, आधा किलो दाना और 15 ग्राम नमक देना चाहिए। जब वो 2 साल का हो जाता है तो 4 किलो सूखा चारा, 1 किलो दाना और 25 ग्राम नमक देना चाहिए। जब वो 2 से 3 साल का हो जाता है तो 6 किलो सूखा चारा, 1.5 किलो दाना और 35 ग्राम नमक देना चाहिए। और 3 साल से अधिक हो जाता है तब 8 किलो सूखा चारा, 2 किलो दाना और 45 ग्राम नमक। जब वो प्रजनन के योग्य हो जाता है तब उसको 10 किलो सूखा चारा, 2.5 किलो दाना और 50 ग्राम नमक देना चाहिए। अब नस्लों की बात करते हैं। नस्लों में सबसे पहले है बीकानेरी। ऊंट के अंदर सबसे सुंदर नस्ल बीकानेरी को कहा जाता है और ये अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका मूल स्थान राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र। इसके ऊंट की ऊंचाई जो कूबड़ तक है वो 10 से 12 फीट होती है। शरीर गठीला, मजबूत, आंखें गोल व बड़ी होती है। खोपड़ी आगे की तरफ उठी हुई दिखाई देती है, वहां एक गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहते हैं। ये इस नस्ल की खास पहचान है। जहां से नाक की हड्डी उठी हुई दिखाई देती है ये इस नस्ल को और सुंदर बनाती है, जिससे इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। बीकानेरी ऊंट दूध उत्पादन व भार ढोने दोनों के लिए प्रसिद्ध है। इस नस्ल के ऊंटों की बो है जिसको जेपरा कहते हैं। ये जेपरा क्या होता है? पलकों व कानों पर घने काले बाल पाए जाते हैं जिन्हें जेपरा या बोह कहते हैं, इसमें पाई जाती है। जन्म के समय इसका वजन 41 किलो होता है और जब ये एडल्ट वयस्क हो जाता है तब इसका वजन होता है 600 किलो। दूसरी नस्ल है जैसलमेरी। इसका मूल स्थान राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र। रंग हल्का भूरा, ऊंचाई 7 से 9 फीट। इस नस्ल के ऊंटों की खोपड़ी उठी हुई नहीं होती, अर्थात इसमें स्टॉप नहीं पाया जाता, स्टॉप का अभाव होता है। कान छोटे छोटे व पास पास होते हैं। आंखें चमकदार व सिर के अनुपात में बड़ी होती है। इस नस्ल के ऊंट सवारी के लिए उपयुक्त होते हैं। एक प्रशिक्षित ऊंट जो ट्रेंड किया ऊंट है वो एक रात में 100 से 140 किलोमीटर सफर तय कर सकता है। रेगिस्तान की सेना वो जो पुल और पुलिस जो होती है उनके पास निगरानी रखने के लिए इसी नस्ल के ऊंट होते हैं। अगली नस्ल है मेवाड़ी। मेवाड़ी का जो मूल स्थान है वो है उदयपुर क्षेत्र। लंबाई मध्यम आकार की, रंग हल्का भूरा, आंखें सुस्त होती है, गर्दन छोटी और थोड़ी मोटाई में होती है। शरीर पर घने सख्त बाल पाए जाते हैं।
मुंह के नीचे के जो होंठ होते हैं वो लटके हुए होते हैं, जो इस नस्ल की खास पहचान होती है। बीकानेरी ऊंट के विपरीत मेवाड़ी ऊंट में स्टॉप नहीं होता है, लेकिन इसका थूथन ढीला होता है। अगली नस्ल है कच्छी। इसका मूल स्थान गुजरात का कच्छ क्षेत्र है। इस नस्ल के ऊंट आमतौर पर भूरे रंग से गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनकी पलकें और कानों पर बाल की अनुपस्थिति होती है। इनमें स्टॉप नहीं पाया जाता है। शरीर का आकार मध्यम। इस नस्ल के ऊंट दिखाई देने में भारी और थोड़े सुस्त होते हैं। इस नस्ल के ऊंट आर्द्र जलवायु और दलदल वाली भूमि के लिए उपयुक्त होते हैं। इस ऊंट के निचले होंठ लटके होते हैं, जिससे इसके दूर से ही नीचे के दांत दिखाई देते हैं। इनके अलावा कुछ और नस्लें, जैसे जालौरी। जालौरी का मूल स्थान राजस्थान। मालवी का मध्य प्रदेश। मारवाड़ी। मारवाड़ी का मूल स्थान राजस्थान। मेवाती। मेवाती का मूल स्थान राजस्थान और हरियाणा। और खराई। खराई का मूल स्थान होता है गुजरात। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।